ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाने के लिए क्या कंटेनर के ऊपर राइट क्लिक करने से ओयू बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। मस्ट है कि आप डोमेन के ऊपर, जो आपकी डोमेन है nsa.com, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का। तो सबसे ज्यादा यूजेबल होने वाला स्नैपिन कौन सा है? ये वाला एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। मैं क्लिक करने लगा हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये एक और विंडो ओपन हुई, और ये देखें इसकी दफा जो विंडो ओपन हुई है उसका इंटरफेस डिफरेंट है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके जो कंटेनर्स हैं वहां पे लिखा हुआ था NSA लोकल, और जैसे ही मैंने क्लिक किया था यानी उसको एक्सपेंड किया था, मेरे पास ये बिल्ट इन और कंप्यूटर्स, डोमेन कंट्रोलर्स और ये बहुत सारे कंटेनर्स वहां पर भी शो हुए थे। लेकिन वहां पे कंटेनर्स ज्यादा शो हुए थे, यहाँ पे कम शो हुए हैं। उसकी क्या वजह है? अगर आप ये टॉप पे व्यू पे जाएं और यहाँ पे एडवांस फीचर पे क्लिक करें तो ये देखें इसकी दफा आपके पास ज्यादा कंटेनर्स शो हो रहे हैं। तो ये फर्क था, यहाँ पर एडवांस फीचर्स वाला जो ऑप्शन है उसको अनचेक किया गया है, जबकि वो जो पहले वाला ऑप्शन देखा है हमने, पहले वाला एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो देखा था वहां पे आपको तमाम कंटेनर्स नजर आते हैं। ओके जी, हम आते हैं अगेन यूजर्स पे। यूजर पे क्लिक किया तो ये देखें आपको जेरी का यूजर और टॉम का यूजर यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, हमने जो दूसरा स्नैपसिन था एक्टिव डायरेक्टरी का, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, वहां पे जाके क्रिएट किया था। तो बेसिकली वो एक ग्राफिकल इंटरफेस था जहां आपने सिंपल यूजर को क्रिएट करना सीखा। आप यहां पर भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक तरीका यह है, यहां पे राइट क्लिक करें इस विंडो पे, यहीं पे राइट क्लिक करें तो ये यहां पर न्यू का ऑप्शन है। इस न्यू के ऑप्शन पे मजीद आगे जाएं, ये एक ऑप्शन आ रहा है यूजर का। मैं इस यूजर पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये एक पॉपअप ओपन हो जाता है। ठीक है, यहां पे मैं जो इंफॉर्मेशन है वो दूंगा और यूजर क्रिएट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये जो टॉप पे आपको ये एक बार नजर आ रही है, यहां पर ये देखिए ये एक आइकन बना हुआ है, ह्यूमन आइकन बना हुआ है, और जैसे ही मैं कर्सर वहां लेके जाता हूं तो ये मुझे बता भी रहा है कि क्रिएट अ न्यू यूजर इन द करंट कंटेनर, यानी कि मैं इस टाइम यूजर वाले कंटेनर में मौजूद हूं, और यहां पे मौजूद रहते हुए अगर मैं इस ह्यूमन वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें सेम वही वाली विंडो या पॉपअप जो है वो ओपन हुआ है। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, ये जो कंटेनर है यूजर्स का, इसके ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां पर अगर मैं ये न्यू में जाता हूं और यूजर पे क्लिक करता हूं तो अगेन ये पॉपअप ओपन हो जाता है। तो तीन तरीकों से आप इस जगह पर, इस इंटरफेस पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसको फिल कर लेते हैं। ओके जी, हमने टॉम बना लिया, हमने जेरी बना लिया, अब हम बनाते हैं टाइगर। टाइगर, टाइगर के नाम से हमने इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब देखें यूजर लॉग ऑन नेम, यानी कि वो nsa.com डोमेन पे जो कंप्यूटर्स होंगे उसके साथ उसका जो fqdn tiger@nsa.com, यानी कि जो यूजर है वो ये टाइगर के नाम से लॉगिन करेगा। सूरन के केस में हम यहाँ पे रोल नंबर लिख लेते हैं, तो जो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सेम यहाँ पे भी आ जाएगी, यानी कि NSA डोमेन उसके साथ ये आपकी बैक, इसको बैक स्लैश कहते हैं, बैक स्लैश और साथ आपका यूजर नेम, तो आपके केस में यहाँ पे रोल नंबर होता है। अब सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट। अब देखें यहाँ पे वो कह रहा है जी पासवर्ड बता दें,
मैंने कहा ठीक है 1234 पासवर्ड मैंने रख दिया, 1234 पासवर्ड। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना सिंपल सा पासवर्ड, जब आप लोग अपने सर्वर पे यूजर बनाएंगे तो इतना सिंपल पासवर्ड नहीं लगेगा। ये अब आपका टास्क है कि इस पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज कहाँ से किया जाता है, ये अब आपका काम है। आप गूगल पे सर्च करें कि एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के अंदर जब यूजर्स क्रिएट किए जाते हैं तो उनकी पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। इस तरह के छोटे छोटे टास्क अपने एंड पे लें ताकि आप कुछ सीखें। मैंने सीख लिया, मैंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। आप देखें मैं तो सिंपल सा 1234 पासवर्ड रख रहा हूँ और वो उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो अब देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। इसका मतलब है कि यूजर जब लॉग इन करेगा तो पासवर्ड उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ नहीं जी, जो पासवर्ड मैंने रख दिया है वो ही होगा। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड और पासवर्ड नेवर एक्सपायर, कि पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो। और एक और ऑप्शन आ रहा है जी अकाउंट इज डिसेबल्ड, अगर इसको ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो यूजर लॉग इन नहीं कर सकेगा। दैट मीन्स कि मैं अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ बट उसको मैं फिल वक्त डिसेबल करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसका कोई फाइन है, वो फाइन पे नहीं कर रहा, तो मैं उसका अकाउंट डिसेबल कर दूंगा ताकि वो फाइन पे करे और मैं उसका अकाउंट जो है वो इनेबल करूं। ठीक है, तो अभी फिल वगैरह कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है तो मैं इस अकाउंट को डिसेबल नहीं करता, इनेबल ही रहने देता हूं। और सिंपल मैंने फिनिश कर दिया। तो सिंपल क्या हुआ, एक टाइगर क्रिएट हो गए, एक टॉम भी क्रिएट हो गया, एक जेरी भी क्रिएट हो गया। ये तो बात होगी सिंपल सी, यूजर कैसे क्रिएट होने हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे आप नंबर ऑफ यूजर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी हमने चीज पढ़ी कि ग्रुप कैसे बनाया जाए। तो ये देखें जहां पे मैंने पहले कर्सर लेके गया था ह्यूमन आइकन पे, जिसको क्लिक करने से एक यूजर क्रिएट होता है, उसके साथ ही एक दो ह्यूमन इकट्ठे हैं, मींस एक ऐसा आइकन है दो ह्यूमन इकट्ठे, इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये मुझसे कह रहा है अच्छा आप ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, इसी ब्लैंक विंडो के ऊपर मैं राइट क्लिक करूं, न्यू में जाऊं तो ये ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप पे क्लिक करूंगा, ये एक पॉपअप ओपन हो गया कि आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। ओके जी, तीसरा तरीका अगेन वही, कंटेनर के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू में जाएं, ग्रुप पे क्लिक करें तो अगेन आपको ये पॉपअप मिल जाएगा जहां से आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, ये कह रहे हैं अच्छा जी आप ग्रुप का नाम क्या रखना चाहते हैं। मैं कहता हूं मेरे ग्रुप का नाम है जी आईटी। अच्छा जी, उन्होंने कहा ठीक है जी आईटी का नाम से ग्रुप बनाना चाहता हूं। ये देखिए यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है ग्रुप की स्कोप क्या होगी। दैट मीन्स कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से मेंबर आ सकते हैं। तो ये जो बाय डिफॉल्ट है इस टाइम ग्लोबल, ये स्कोप क्या बताती है, ये स्कोप ये बताती है कि आपके जो मेंबर्स हैं वो इसी डोमेन के होने चाहिए, लेकिन रिसोर्सिस आप किसी और डोमेन पर भी रख सकते हैं। तो सबसे जो अच्छा ऑप्शन होता है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट रहने देना चाहिए ताकि इसी डोमेन के जो यूजर हैं, इसी nsa.com इसी सर्वर के ऊपर जो यूजर हैं, इसी सर्वर के ऊपर रिसोर्सेज मौजूद हों, इसी सर्वर के ऊपर आपके यूजर मौजूद हो, ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं यूनिवर्सल पे क्लिक करता हूं तो इसका मतलब क्या है, मेंबर भी किसी डोमेन के हो सकते हैं और आपके रिसोर्सेज भी किसी डोमेन पे हो सकते हैं, बट वो तमाम डोमेन्स एक फॉरेस्ट के अंडर आती हों, ये एक कंपलसरी कंडीशन है। ओके, मैं इसको बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। दूसरी देखें ग्रुप टाइप, मैंने दो तरह की ग्रुप टाइप्स आपको बताई, सिक्योरिटी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिल वक्त सिक्योरिटी ग्रुप को चेक करते हैं बिकॉज हमने यूजर्स को ग्रुप्स को डिफरेंट राइट्स परमिशंस वगैरह असाइन करनी है, तो हम इसको सिक्योरिटी, हम कोई एक्सचेंज सर्वर
इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, जिसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बनाना पड़े। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये एक आईटी के नाम से सिक्योरिटी ग्रुप बन गया है। अब और चीजें हमने क्या पढ़ी कि इस ग्रुप के अंदर मेंबर कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। ओके जी, इस आईटी वाला जो ग्रुप था इसके ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करता हूं, ये कहता है जी आईटी इसका नाम है, इसकी डोमेन जो स्कोप है वो ग्लोबल है, इसकी टाइप जो है वो सिक्योरिटी है। ओके जी, मेंबर्स में चले जाते हैं कि जी इसके मेंबर कौन कौन से हैं। मेंबर ऑफ में अगर जाएं तो इसका मतलब है ये वाला जो ग्रुप है ये और किन ग्रुप्स का मेंबर है। अभी हम इसके मेंबर्स देखना चाह रहे हैं कि मेंबर्स कौन से हैं। कोई मेंबर नहीं इसका, ये खुद भी किसी का मेंबर अभी नहीं है। तो क्या करेंगे, मेंबर कैसे ऐड करें जी? पहले तो मेंबर पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड का, ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये एक और पॉपअप ओपन होता है। यहाँ पे वो कहता है जी किस यूजर को ऐड करना चाहते हैं, तो सर्च करेंगे हम। अब मेरे पास तीन यूजर हैं जी, टॉम यूजर है, टाइगर यूजर है, जेरी यूजर है। मैं फर्स्ट यूजर जो हमने बनाया था टॉम के नाम से, टॉम लिखता हूं और चेक नेम करता हूं कि क्या ये यूजर वाकई मेरी इस डोमेन पर एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, उसको वो चेक करेगा। जैसे ही मैं चेक नेम करूंगा, ये टॉम जो है ये इसके नीचे एक लाइन लग जाएगी, यानी कि टॉम जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाकई एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जी तलहा, इसको चेक करते हैं। वो देखें, उसने एरर दे दिया नेम नॉट फाउंड, ये जी नाम ही नहीं एग्जिस्ट करता, ये यूजर ही नहीं है। ठीक है, अब अगर आप यहां पे लिख के सर्च नहीं करना चाहते, आप ये जो एडवांस वाला ऑप्शन है इस पे चेक करें, तो आप यहां से एडवांस ऑप्शन में अच्छे तरीके से देख सकते हैं कैसे। ओके जी, यहां से ऑब्जेक्ट टाइप सेलेक्ट करें कि आप उसको कहां देख रहे हैं। मैं जो उसको कॉन्टेक्ट्स में, कंप्यूटर्स में, ग्रुप्स में, उसको मैं कहां देखना चाह रहा हूं। मैं जी उसको यूजर में देखना चाह रहा हूं, ये यूजर वाला पहले से ही चेक्ड है। ओके कर देते हैं। ओके जी, लोकेशन वो पूछ रहा है कि आपकी डोमेन क्या है, nsa.com। ओके हो गया। अब मैं जी यहाँ पे कोई इनिशियल स्टार्ट विद कोई अल्फाबेट, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि एस से स्टार्ट हो रहे हो वो, तो मैं एस से सर्च कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं जी सारे शो कर दें, जो कुछ भी है सब कुछ शो कर दें, मैं एक सिंपल क्लिक करूंगा फाइंड नाउ। अब ये देखिए यहाँ पर जो कुछ है वो सारा उसने शो कर दिया। अब इसके लिए आप बेहतर ऑप्शन क्या था कि मैं साहब को अनचेक करता, सिंपल यूजर्स को रहने देता। अब यूजर्स के अंदर जो कुछ होगा वो सब कुछ फाइंड कर देगा। अच्छा जी, यूजर्स के अंदर जी एडमिनिस्ट्रेटर है, एक डिफॉल्ट अकाउंट के नाम से बना हुआ है, एक गेस्ट अकाउंट के नाम से, एक जेरी का अकाउंट है जी, एक टाइगर का है, एक टॉम का। तो ये जी फोल्डर कौन सा है जी, nsa.com/user का। ओके, देखिए आसानी से पता चल गया जी मेरे पास ये यूजर हैं। अब मैं इन सब को सिलेक्ट कर लूं और ओके कर दूं तो ये सारे इकट्ठे ऐड हो जाएंगे। सिंपल, जेरी पे क्लिक करूं, कंट्रोल का बटन प्रेस करूं और ये सब को सिलेक्ट कर लूं, तब भी सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। ड्रैग करने से भी सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। इन सारों को मैंने क्या किया है, सिलेक्ट किया, ओके कर दिया। ये देखें जी, जेरी, टाइगर, टॉम सारे जो हैं यहाँ पे शो हो गए हैं। टाइगर का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। वन बाय वन करके भी कर सकते हैं, सबका इकट्ठा करना चाहते हैं इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आप क्या करते हैं, हम यहाँ पे ओके, ये देखें ये सारे ऐड हो चुके हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं।
ओके हो गया। अब मैंने सबको ऐड कर दिया है, मैं कहता हूं नहीं यार सारों को नहीं करना चाहिए था, तीन यूजर बनाए हैं, दो को ऐड रहने देते हैं, एक को रिमूव कर देते हैं। तो टॉम एंड जेरी की तो आपस में काफी बनती है, इसलिए उसको रहने देते हैं, टाइगर को रिमूव कर देते हैं। अब जो टाइगर है वो ग्रुप में नहीं है, जेरी और टॉम जो है वो ग्रुप में है। इसको करते हैं अप्लाई, ओके कर देते हैं, ठीक हो गया। अब और हमने क्या चीज पढ़ी कि हम जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स कैसे बनाते हैं। ओके बड़ा आसान काम, ये जो आपकी डोमेन है जहां nsa.com लिखा हुआ है, यहां पे आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे और एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ठीक है। क्या मैं यहां पे राइट क्लिक करूं, वो न्यू में जाऊं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना सकता हूं? नहीं बना सकता। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाने के लिए आपको क्या कंटेनर के ऊपर राइट क्लिक करने से ओयू बना सकता हूं? नहीं बना सकता। मस्ट है कि आप डोमेन के ऊपर, जो आपकी डोमेन है nsa.com, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे तो यहां एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का। यहां पे देखें ऑप्शन आ रहा है ओयू, इस पर मैंने क्लिक किया, ये एक पॉपअप ओपन हो गया। मैं जी बना लेता हूं स्टूडेंट्स के नाम से एक ओयू बनाने लगा स्टूडेंट्स। देखिए यहां पे ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, इसका कॉन्सेप्ट भी पहले भी ये चीज आई थी, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं रहने देता हूं चेक्ड, इससे भी बताता हूं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कर दिया ओके। अब ये देखें ये एक स्टूडेंट्स का ओयू बन गया है, एक कंटेनर ऐड हो गया है जिसके ऊपर एक बुक का निशान भी है, जिससे पता चल रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। इसके अलावा एक और कंटेनर ऐसा है डोमेन कंट्रोलर के नाम से, जिसके ऊपर बुक का निशान है, जिससे पता चलता है कि ये ओयू है।